YouTube guys, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, मैं आप सभी के लिए एक PUBG मोबाइल लाइट का न्यू स्क्वाड गेम प्ले लेकर आ चुका हूँ, जिसमें मैं खेल रहा हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। यानी कि ये लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं है, जो कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक बंदे से टीम अप करा था, ये वही बंदा है और इसी के साथ इसका एक फ्रेंड है। तो इन लोग का मेरे साथ खेलने का बहुत मन कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने इनके साथ एक मैच लगाया जिसके अंदर हमने भैया बहुत ज़्यादा किल्स निकाल दिए। और गाइज, इस वाले मैच में हमारे जो किल्स हैं वो टोटल किल्स निकले 36, जबकि पूरे सर्वर में 60 बंदे आते हैं, यानी कि आधे से ज्यादा सर्वर हमने ही मारा है। तो आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपने अपने फ्रेंड्स लोग के साथ अपने स्क्वाड में कितने मैक्स किल करे हैं, ठीक है? तो हमारे तो भाई न्यू रिकॉर्ड है 36 का। तो यहां पर सबसे पहले हमने जंप कर दी थी भाई डाउनटाउन में। तो डाउनटाउन में जैसे कि आप देख पा रहे हो, उतरते ही हमारे साथ में एक स्क्वाड उतरी थी और यहां पर मेरे को गन मिल चुकी है M16। अब ये पूरी स्क्वाड हमें देखकर तो भाग रही थी या फिर शायद पता नहीं कहां जाना चाह रहे थे, बट एकदम लाइन से सब लोग भाग रहे थे। तो मुझे जो जो लोग स्पॉट हुए, जो जो लोग सामने खड़े थे, उन सबको मैंने मारना शुरू कर दिया, जिसमें से भैया मैं तीन बंदे तो यहीं पर नॉक कर चुका था। अब दूसरी दिक्कत की बात ये थी कि इनका जो चौथा बंदा था वो डिस्कनेक्ट हो गया था या फिर डर के मारे जाम हो गया था, वो मुझे नहीं मालूम, बट उसको मैं मार रहा था तभी यहाँ पर जो गॉडज़िला, जो हमारा पिछला फ्रेंड था, उसने मेरा किल चुरा लिया। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा नॉक था, शायद से ये अलग स्क्वाड थी, पर यहाँ पर दूसरे हमारे जो नंबर 3 था लूसीफर है, यहाँ पर हम ट्रायवर्स स्क्वाड है, अभी फिलहाल 3 ही बंदे हैं, पूरे 4 नहीं है। तो यहाँ पर उसने भी एक बंदे को मारा और उसके बाद मेरे को लग रहा था कि भैया अब पूरा जो डाउनटाउन है हमने बहुत फास्ट क्लियर कर दिया था, मतलब कि जो जो बंदे उतरे हम तीनों ने मिलकर भैया सबको मार दिया, क्योंकि हमें गन्स तुरंत मिल गई थी और जो हमारी लैंडिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट थी। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही हमने थोड़ा बहुत लूटा और उसके बाद मैं भी अंदर घर में चला गया था लूटने, और ये लोग भी अपना लूट में बिजी हो गए थे। तो क्योंकि मेरे पास अभी कोई अच्छी गन है नहीं, तो यहाँ पर मैंने ऊपर आया, मेरे को स्कारल मिल गई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे को जैसी स्कारल मिली है तो यहाँ पर गॉडज़िला ने बोला कि मेरे पास कोई बंदा है, और तभी उसको किसी उसने नॉक भी कर दिया। तो भाई मैं पूरी फुल स्पीड में जा ही रहा था उसको बचाने की, तभी नंबर 3 ने उस बंदे को मार दिया। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उस बंदे को मार दिया, और ये जो बंदा था ये रियल था, क्योंकि इसका नाम था प्रकाश और ये एक रियल प्लेयर था, इससे पता चल जाता है, यानी कि ये नॉक हुआ। अब इसके टीममेट भी होंगे, तो थोड़ा सा हमें सेफ रहना था, वरना जो इसके टीममेट होंगे वो हमें मार देंगे। अब यहाँ पर ये बंदा उसकी टीम का आखिरी प्लेयर रहा होगा शायद से, और ये बंदा जो था डायरेक्ट मर गया, यानी कि मेरे को अब लगा कि हाँ जो डाउनटाउन है वो पूरा क्लियर हो चुका है। तो तभी यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत लूट एक्सचेंज करा, क्योंकि इन लोग के पास लूट काफ़ी कम था, तो ये लोग मेरे से 5.56 का एमओ मांग रहे थे। तो यहाँ पर मैंने इन लोग को थोड़ा सा लूट शेयर कर दिया अपना। अब जब यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत लूट एक दूसरे को दे दिया, तभी मुझे सामने एक एयर ड्रॉप दिखा, तो मैं सीधा चला गया एयर ड्रॉप को लूटने। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास फिलहाल दोनों ही गन्स ठीक ठाक है, बट इतनी भी खास नहीं है। तो यहाँ पर एक बंदा इस घर के अंदर था जो कि अभी भी लूटने में ही लगा हुआ था, जिसका नाम था शानू शर्मा, उसको भी मैंने मार दिया। और उसके बाद मेरे को लग रहा था कि सामने जो रेड वाला घर है उसमें ना बहुत छोटे छोटे, मतलब कि दूर था काफ़ी, तो मेरे को लग रहा था कि हाँ भाई उसमें बंदे हैं। तभी बंदों ने मेरे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग भी इंतजार कर रहे थे कि भाई हम जल्दी से आकर ड्रॉप लूटेंगे, पहले वो चेक कर रहे थे कोई नहीं आए, काफी समझदार प्लेयर थे। तभी मैंने भाई जल्दी से जैसे तैसे करके मैं बच गया और मैंने ड्रॉप से अपनी M249 ले ली। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिलहाल हील के लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैंने एनर्जी ड्रिंक वगैरह लगा ली है, तो भी हेल्थ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो पीछे मैंने मारा था शानू शर्मा को, उसको मैंने फिनिश कर दिया, और सामने वाला बंदा भाई इतना ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे 4 गोली मार के तो भैया डायरेक्टली ओपन में रश कर दिया। तो भाई इस तरीके से अंधा रश कभी भी मत करो, अगर बंदे के पास कवर है तो भाई अंधा रश बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हारा बंदा पीछे से कवर भी दे रहा है तो वो उतना खास कवर नहीं दे पाएगा, क्योंकि जिस बंदे पे कवर है वो बहुत इजीली तुम्हें टीपीपी लेके मार सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने इस बंदे को मारा, उसका बंदा पीछे वाले घर से कवर दे रहा था, वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा देख कर, ठीक है, अगर सामने बंदे पे कवर है तो अंधा पुश मत करो, तुम भी कवर से जाओ, पुश करो लेकिन कवर से, ठीक है। जैसे कि बंदा ओपन मैच ने बहुत बड़ी गलती करी, अच्छा प्लेयर था लेकिन बहुत बड़ी गलती कर बैठा। और यहाँ पर हमने इन बंदों को मारा, अब सामने पुश करना था रेड वाले घर पे, शायद उसको भी मेरे को लग रहा था कि गॉडज़िला ने मार दिया, क्योंकि गॉडज़िला पे स्कोप था जिससे वो दूर तक देख सकता था। बट मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई कि मेरे को पूरे मैच में स्कोप नहीं मिला, एकदम एंड में जाकर जब मैंने बहुत सारे किल्स कर दिए थे तब मुझे जाकर स्कोप मिला। तो यहाँ पर एक बंदा इधर आगे खड़ा हो गया था जो कि शायद से इन्हीं की टीम का बंदा था, तो इसको भी हमने मार दिया। और यहाँ पर लगभग अभी 7 किल्स मेरे हो चुके हैं, इनके भी कुछ ना कुछ किल्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा किल्स हमें डाउनटाउन में ही मिल गए थे। अब उसके बाद बारी थी भाई हमारे
स्टेडियम की, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि डाउनटाउन के बाद स्टेडियम एक ऐसी जगह जहां पर काफी ज्यादा किल्स मिल जाते हैं। तो एक बंदा इस घर के अंदर था जो कि उसी की टीम का था। भाई इस नूबड़े ने सबसे बड़ी गलती ये करी, वो अपने टीममेट को रिवाइव करने की जगह हमें मारने आ रहा है। यार ये गलत है। अगर जब तुम पे पुश हो रहा है तो तुम स्मोक कर दो, नेड कर दो ग्राउंड पे, बट अगर तुम डायरेक्टली फाइट लेने आओगे, अगर तुम्हें पता है मैं आखिरी बंदा हूं, अगर मैं मर गया तो पूरा स्क्वाड फिनिश है, तो पहले रिवाइव दे दो। हम इतनी जल्दी भी, हम बहुत देर बाद आए थे, ये इजिली उसको रिवाइव दे सकता, बट इसने गलती करी एक। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी मैंने फिलहाल हील वगैरह कर लिया है, पेन किलर लगा लिया, अब हम जाएंगे सीधा स्टेडियम में पुश करने। तो भाई मैं जैसे ही स्टेडियम के थोड़ा सा करीब आया तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे फायरिंग के साउंड्स आ रहे थे, और मैंने देखा कि सामने भाई एक बंदा वॉल पर टीपीपी ले रहा है, और मतलब कि दो स्क्वाड्स की पूरी बहुत जबरदस्त फाइट चल रही थी, जिसमें से मैंने आते एक बंदे को तो नॉक करा, और मुझे छत पर भी कुछ बंदे दिखे। तो मतलब यहाँ पर तो भाई बहुत ही गलत सीन हो रखा था, मतलब दो स्क्वाड की अच्छी खासी फाइट चल रही थी, सब पे अच्छी अच्छी गन थी, और मैंने बीच में अकेले ही इतना गंदा थर्ड पार्टी करा कि दो दो बंदे उस स्क्वाड के मारते, दो दो बंदे इस स्क्वाड के मारते, भाई दोनों स्क्वाड परेशान हो गए कि भाई फाइट हमारी चल रही थी, हमें मार कौन ना, समझ ही नहीं आ रहा तो अलग बंदा आ कहां से गया। तो यहां पर मैं जैसे ही पहुंचा तो भाई यहां पर तो इनकी तो मैंने बिल्कुल ऐसी तैसी लंका लगा दी भाई, कुछ भी नहीं कर पाए लोग, क्योंकि ये बाहर निकलते तो छत वाला इन्हें मार, जो दूसरी स्क्वाड थी, और यहां से इन्हें मैं मार रहा था, तो एक जो स्क्वाड थी उसकी तो भाई पूरी तरह अच्छे तरीके से लंका लग चुकी थी। अब जो मेन जो घर में बंदे बचे थे, मेरे को नहीं पता था स्टेडियम की मेन बिल्डिंग में कितने बंदे बचे, क्योंकि यहां पर भाई लगभग 6 से 7 बंदे तो थे ही थे जिनको हमने भाई मार दिया, और ये एक बंदा था, पता नहीं ये बंदा था कि बंदा था या फिर बोट था, तो इसका मुझे नहीं पता है करना क्या चाह रहा था, गन से नहीं है, बंदा लगा पड़ा है। तो के लिए मैंने चेक करने के लिए सर क्रेट चेक करा कि करना क्या चाह रहा, तो भैया ही घूम रहा था, इसको नहीं पता पबजी में गन्स उठाई जाती है, क्या करना होता है, तो कुछ नहीं मालूम, ये सोच रहा था कि GTA Vice City चल रही है, गाड़ी कब मिलेगी, मिशंस कहाँ करने हैं, सब सोच रहा हुआ है। तो यहाँ पर एक बंदा नीचे था जिसको मैंने मारा, इसको मैंने ही नॉक करा था, तो यहाँ पर मैंने अपना किल कंफर्म कर लिया। तो 14 किल्स यहाँ पर हमारे हो चुके हैं, और आप देख पा रहे हो कि अभी भी 31 लाइव है, यानी कि अभी बहुत सारे बंदे बचे हैं। अभी तक जितने भी बंदे मारे हैं तो लगभग आधे से ज़्यादा बंदे अभी भी हमने ही मारे हैं, मतलब कि जो सर्वर में किल कर रहे हैं, तो किल फीड में हमारा नाम आए जा रहा भाई, बाकी बंदे हमें हैकर समझ रहे होंगे, बट यार एकदम नॉर्मल गेम प्ले है। तो यहाँ पर हमने इसको भी मार दिया, नीचे एक बंदा आया था, तो तभी मैं यहाँ से जा ही रहा था कि मुझे फायरिंग का साउंड आ रहा था एकदम अपार्टमेंट साइड से। अब अपार्टमेंट साइड में भी बहुत सारे बंदे थे, वहाँ पर भी अलग ही फाइट चल रहा था। तो इस वाले सर्वर में हमारा लक अच्छा ये था कि जितने भी बंदे थे सब लोग हमारे पास ही थे, इसलिए हमें ज़्यादा किल मिल गए, क्योंकि आपने देखा होगा डाउनटाउन में भी 3 से 4 स्क्वाड्स के बंदे थे डाउनटाउन में भी, और उसके बाद आपको स्टेडियम में भी 2 स्क्वाड के बंदे मिल गए, हमें 2 स्क्वाड्स में सबने काफ़ी किल निकाले। अब उसके बाद जो बाकी बंदे थे वो बचे थे अपार्टमेंट्स में, मतलब बाकी बंदे कहीं गए नहीं, इन 3 जगह पर ही आए थे। तो एक बंदा मेरे को इतनी दूर दिख रहा था कि होलोग्राफिक से ही मैंने उसको बेचारा डैमेज पड़ा था, वो बहुत गंदा डैमेज पड़ा था, तो उसके बेचारे की एक गोली पड़ी और सीधा नॉकडाउन हो गया। और यहीं पर आसपास मुझे एक बंदा और दिखा, तो यहाँ से मैं इसे मारना बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि आपको पता होगा कि होलोग्राफिक यार मतलब मैं लॉन्ग में, मैं वैसे भी होलोग्राफिक चलाता नहीं, और लॉन्ग में से मेरे से और ही कूड़ा चल रही थी, मतलब कि एकदम ही घटिया। तो उसके बाद मैंने होलोग्राफिक यार मेरे को अजीब सी लग रही, तो मुझे चाहिए थी अभी रेड डॉट या फिर कोई ना कोई अच्छा स्कोप जिससे मैं लॉन्ग रेंज भी संभाल पाऊँ, क्योंकि मेरे दोनों ही गन एकदम क्लोज के लिए, तो होलोग्राफिक से काम नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा भैया दूर से तो मार नहीं पाएंगे, क्लोज ही चल के इन्हें मारते हैं। तो यहाँ पर हमने सीधा हम दोनों ने क्लोज पुश कर दिया गॉडज़िला और मैंने, एंड ये गॉडज़िला भी मेरे साथ खेल खेल कर थोड़ा बहुत अच्छा खेलने लग गया, और आने वाले टाइम में शायद ये मेरे से ज़्यादा तगड़ा ना हो जाए, तो वैसे तो इम्पॉसिबल ही है, ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमने सीधा पुश कर दिया, तो एक बंदा जो है ऊपर नॉक करा था मैंने, उसको मैं फिनिश कर रहा था, बट यहाँ पर ये होलोग्राफिक का गाइस एक बात मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना कि जो होलोग्राफिक का आपका ग्लिच होता है कि नहीं, जो लोग होलोग्राफिक चलाते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका ये जो गेम है होलोग्राफिक चलाते टाइम ग्लिच होता है कि नहीं। मेरे साथ बहुत होता है, जब भी मैं होलोग्राफिक से किसी भी लॉन्ग रेंज वाले बंदे पर एम करता हूँ ना, तो यार इसको बहुत ही गलत चलता है, मतलब कि हल्का सा राइट करता हूँ बिल्कुल अटक कर राइट होता है, और फिर लेफ्ट करता हूँ बिल्कुल अटक कर राइट होता है, तो बड़ा अजीब सा चलता है लॉन्ग रेंज में होलोग्राफिक स्कोप। तो आप बताना आपके साथ होता है कि नहीं, वरना फिर मैं अपनी गेम का कोई सोल्यूशन निकालूंगा। ओ यहाँ पर अपार्टमेंट्स की छत पे एक बंदा था जिसको तो भैया हद से ज़्यादा गोलियाँ मैंने मार दी थी, बट वो नॉकडाउन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई इस पर पुश कर देते हैं। तभी मुझे नीचे देखा कि भाई अलग ही फाइट चल रही है, तो इस बंदे को मैंने पहले, अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि तुमने उसको पहले क्यों मारा, तो भाई मैं कन्फ्यूज़ हो गया था कि भाई ये सीन हो क्या रहा है, वो उसे क्यों मारा। तो पहले मैंने सोचा कि मैं उसका किल चुरा लेता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो खुद ही इतनी धीरे मारा, तो मैंने पहले उसको पीठ पे धप्पा मारा पहले, तो भाई पीछे भी देख ले, आगे आगे पूरा मत ध्यान दे, क्योंकि गाइस आप भी ऐसी गलती कर सकते हो कि
मतलब मैं भी कर देता हूँ गलती, तो हमें इस गलती को नहीं करना है। अगर आपको कोई मार रहा है, आगे मार रहे हो, तो पीछे भी थोड़ा सा ध्यान रखो, फुट स्टेप्स का ध्यान दो, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको भी हमने मार दिया। अब इन सबको मारने के बाद मैंने अपार्टमेंट्स के अंदर पुश कर दिया, क्योंकि तुम्हें भी मालूम होगा कि मैं दूर से